मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आज बजट के कई बड़े मुद्दों को लेकर फैसले किए गए। राजकोषीय घाटे को काबू में करने के साथ साथ विकास और रोजगार को तेजी देने पर सरकार का जोर रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेशी में गरीबों, किसानों, युवाओं का पूरा ध्यान रखा है। हालांकि टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि बजट की घोषणा ने कुछ चीज़ें सस्ती तो हुई है जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे ऐलान भी किए गए हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। बता दें कि बजट लागू होने के बाद तंबाकू उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषण भी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा असर ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, एसी, लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि महंगा हो जाएगा। निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद साबुन, शैम्पू, बालों का तेल, टूथपेस्ट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैंप, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सैनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में प्रयुक्त सामान, लेस बर्तन, गद्दा, बिस्तर, चश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, धूपबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन भी सस्ता होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।